आत्मा बताओगी भाई, जय चौधरी देवीलाल की आत्मा है, जो किसान की घर में जाना, किसान ने घर में बिठाना पसंद कराया करता, अगर उसकी आत्मा है तो लेके आओगा भाई अपना छोट गुदड़े और अपना खान पीन का प्रबंध करके आओगा भाई। कि मैं कर लिया होगा सौदाबाजी, वो छोटा मोटा मंत्री बन पद का लालच दे दिया होगा, और को आश्वासन को दारू के ठेकिया में को फालतू की मैं दे दिया होगा ना, तो यो को कारण थोड़ा है बने। आज तो आदमी का जांच कराओ और दो दिन बाद नुका देना ना सारा सौदा सही है, इसका मतलब तो सौदेबाजी हुई दो दिन। देखिए दुष्यंत चौटाला ने ये कह के वोट लिए कि मैं देवीलाल का पोता हूँ, मैं देवीलाल का दूसरा रूप हूँ, ये कह के वोट लिए और लोगों ने अपना समझ के किसानों ने उसको गले लगाया, मेरे परिवार की वोट भी उसको डली, लेकिन उसने किसानों की पीठ में छुरा मारा और किसानों की पीठ में छुरा मार के उस बीजेपी की गोदी में बैठ गया। सारे भाई राम राम, एक बार फिर स्वागत है आपका दस होनू वाली में। सिरसा में भाई किसानों का आंदोलन बहुत जोर शोर पर है और जबरदस्त है, हम जी थोड़े इसे रोक लो, तो बहुत जोर शोर पर है और जमा जबरदस्त है, युकी सद तक जाओगे जानने की कोशिश कर ले। राम राम भाई, राम राम भाई, वो जो सा युवा आंदोलन है किसानों का, ये भी नहीं सोच ले किस स्टेज तक जाने की उम्मीद है। यो इस स्टेज तक मतलब कि भारत सरकार के साथ सीधी सीधी लड़ाई है, आपने पता कानून बन लिया, ये भी यह लड़ाई है कानून को उल्टा करवाने की। ये दो स्थिति बची है सरकार के पास भी और किसान के पास भी, या तो कानून को वापस ले वे या सरकार गिरे और या किसान मरे। ये इस स्थिति में आंदोलन पहुंच गया कि आर पार की लड़ाई किसान ने लड़नी पड़ेगी और आर पार की सरकार ने लड़नी पड़ेगी। अगर सरकार ने टेम रहते ये बात नहीं समझी तो ये सरकार के साथ बहुत ही भीषण लड़ाई होगी। सिरसा के अंदर दो बंदे आज नाम जमा फ्रंट पर ले रखा है, रणजीत का और दुष्यंत का, तो मैन बात इसमें के खास थी? खास बात ये है कि पहले तो वो सरकार का हिस्सा है और सरकार का हिस्सा होने के साथ साथ सबसे कमजोर कड़ी है सरकार की, क्योंकि रणजीत सिंह तो निर्दलीय चुन रखा लोगों ने और उसके पास 10 सीट है, अगर वो चाहे आज या कड़ी निकल जाए तो सरकार पड़ सके, वो सरकार के ऊपर भारी दबाव पड़ सके। और दूसरी बात ये है कि दोनों के दोनों देवीलाल परिवार से संबंध रखे हैं, जिन्होंने पूरी 3-4 पीढ़ियों तक लगातार किसान ने वोट दे के उनको MLA मंत्री बनाए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं, तो किसान की सबसे ज़्यादा उम्मीद उससे थी कि वो जल्दी तो जल्दी किसान के पक्ष में खड़ा होगा। किसान उम्मीद की नज़र से देख रहा था कि देवीलाल परिवार उनके साथ में खड़ा होगा, लेकिन इन्होंने एक शब्द भी बोलना आज तक ना चौधरी रणजीत सिंह ने बोलिया है और ना ही दुष्यंत चौटाला ने बोलिया है। कम से कम सरकार किसान का पक्ष में इन्होंने खड़ा होकर तो दिखाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने उल्टा ये जो है मोदी की डूम बढ़ाई लगे थे, तो इसलिए हरियाणा के किसान को बड़ी तकलीफ है और इसीलिए पहली चोट इनका मारा है। किसान ने इसलिए डिसाइड कर लिया कि पहली चोट ये इनका मारा है। धन्यवाद जी संदीप भाई साहब। राम राम। राम राम भाई, राम राम। तो आज सारे संगठन इकट्ठे हो रहे हैं और टारगेट भी बनाया गया है, दो मैन बनाए गए हैं रणजीत, क्योंकि सरकार की सबसे कमजोर कड़ी है उनके तोड़ने के लिए टारगेट बना रखे हैं, तो जो सा प्लान बना रखा है इसमें किसी राजनीति का तो कोई वो नहीं है? नहीं देखिए भाई, कहना तो राजनीति घर में भी है हाँ। लेकिन यहाँ राजनीति की जरूरत क्यों दे रही है सरकार? जो दुष्यंत सिंह चौटाला जिसने वादे करे थे हाँ। अगर मैं किसान का न्यू कराया दू न्यू कराया दू तो अपने वादे पूरे कर दो, राजनीतिकरण का मौका ही ना दो हाँ। तो ये तो मेरे भाई कोरी झूठी बातें कोई फैला दे, फलानी में राजनीति, दगड़ी में राजनीति, भाई राजनीति का मौका ना दो हाँ। तुमने लागत डेढ़ गुना भागी बात कही थी, दे दो ना किसान ने लिखित में। किसान इन 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़क पर बैठा है और ये बिल्कुल साफ प्रत्यक्ष बात है कि चौधरी छोटू राम ने ये लागू करे थे APMC एक्ट 1938-39 में, जब चौधरी छोटू राम ने ये आदमी बाईपास करना चाह रहे हैं तो इन्हें कम से कम बताना तो चाहिए चौधरी छोटू राम के विचार में क्या कमी थी। चौधरी छोटू राम तो बड़ा किसान ही तहसील का हमने बता दो बना दो क्यूकर बना दिया को लॉजिक तो दो। चौधरी छोटू राम तो हमारे कर्जे बट्टा खाते लुआ के कहा था, महंगाई के हिसाब से बाद के कहा था, सरेआम जो लूट होया कर दी उस पर रोक लगवाने खातर APMC एक्ट बनवा के गए थे। तो मेरे भाई ये फर्जी ढकोसला करके यदि सोचे हैं, राजनीति का आरोप ला के जेको सोचे हैं आंदोलन कमजोर हो जाएगा, वो इनका बस की बात नहीं है। ये तो सारे हरियाणा का एक सामूहिक नेतृत्व है, बच्चा बच्चा इसमें खड़ा है। तो ये तो मेरे भाई राजनीति तो किसी पार्टी में भी कोनी होनी हो तो लोग इकट्ठे घर तक तेल लाकर सब दिन लाने खातर पार्टी खातर भी नहीं आवे। तो ये तो खाली आंदोलन को मिसगाइड करने की, ये सोचने की भाई
किसान जो आम किसान है वो बहकावे में आ जाएगा सत्ताधारी पार्टी की, वो कोशिश है वो सफल नहीं होगी। तो एक और है नहीं आज के लागे है भाई दुष्यंत चौटाला लिगड़ का होगा, वो तो उसका आत्मा बताओगी भाई, जय चौधरी देवीलाल की आत्मा है, जो किसान की घर में जाना किसान ने घर में बिठाना पसंद करा करता, अगर उसकी आत्मा है तो लेके आओगा भाई अपना छोट गुदड़े और अपना खान पीन का प्रबंध करके आओगा। और जे वह बकावा था वो ये आपने देखा होगा चुनाव प्रचार से पहले भूख दे खाट पे बैठ के फोचू खिचा करता, बाड़ी चुका करता, गेहूं काटा करता, इसका मतलब तो वो कोरा ढकोसला है जे आज वो टेम पर नहीं पाता, जे अगर झूठा ढकोसला वो कर रहा था तो उसकी पोल पैट जाएगी। अरे भाई भीतर में को दाना जे बच रहा है किसान वाला तो उसने किसान का स्वागत करने का उसका फर्ज बना। एक और है नहीं पहले मुख्यमंत्री ने बयान दिया था भाई लाठीचार्ज को लिया और उस दिन के बाद में एक भी स्टेटमेंट नहीं आई, तो उसको प्राप्त के भाई कि मैं कर लिया होगा सौदाबाजी, वो छोटा मोटा मंत्री बन पद का लालच दे दिया होगा और को आश्वासन को दारू के ठेकिया में को फालतू की में दे दिया होगा ना, तो यो को कारण थोड़ा है बने। आज तो आदमी का जांच कराओ और दो दिन बाद नुका देना ना सारा सौदा सही है, इसका मतलब तो सौदेबाजी हुई दो दिन में, साफ सी बात है, तो के सौदेबाजी हुई वो तो वह जाने है, लेकिन गिरगिट की रंग बदल दे भाई जनता ने ईबे देखे हैं ना, तो पहला तो जो देवीलाल वर्गे नेता होया करते बात पड़ जा करते, ओम प्रकाश चौटाला भी बात पड़निया नेता था चाहे अच्छा हो चाहे माड़ा हो लेकिन बात नहीं बदलिया करता, ये तो रात रात में बदल जाए मेरे यार, तो वो तो इन्हें देखना है अकी इन रंग बदल बदल के हरियाणा का नौजवान ने कितने टाइम तक गुमराह करेंगे, कितने टाइम तक बेवकूफ बनाएंगे। है आपने भाई युवा जाग चुका है या फिर जनता जाग चुकी है, ये तो आप देखो मेरे भाई हरियाणा के किसी कोने में चले जाओ, मैं धरना रखे देव भी हजारों आदमी, यहाँ भी हजारों आदमी, पिपली में हजारों आदमी, जब चारों ओर एक आवाज पे किसान की एक आवाज पे हजारों आदमी नौजवान इकट्ठा हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बच्चा बच्चा जब ये कह रहा है कि तीन काले कानून अंग्रेजी कानून है, तो अब और जागने में कोई कमी नहीं है, अब तो सरकार का ढकोसला चल रहा है, कभी जागरूक किसान कभी प्रगतिशील किसान कभी फलाने किसान, तो वो सरकार का ढकोसला उसके पोल पट्टी बड़ौदा के चुनाव में खुल जाएगी, वहां पे इनको जूत लगेंगे बीजेपी जेजेपी को, इनकी जमानत जब्त होगी तब इनको पता चल जाएगा क्या इन्होंने झूठे नाटक कर रखे थे। ठीक है धन्यवाद जी। तो एक बात और कह रहे हैं कि भाई जो मतलब किसान यूनियन लगा लियो या आपको ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं कि भाई कांग्रेस से प्रेरित है, कांग्रेस इनको भड़का रही है, इस तरह की बात सामने आने लग रही है। देखिए बीजेपी के पास कहने को कोई शब्द नहीं बचे आंदोलन के आगे और उनके पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मजदूर से लेके व्यापारी तक आंदोलन में है, अपोजिशन सारी आंदोलन में है और राज्यसभा में बहुमत नहीं था, अब उनके पास इसके अलावा कोई बात कहने को नहीं है। मैं उसका जवाब ये देना चाहूँगा कि क्या आपको कहीं कांग्रेस का झंडा नजर आता है, क्या कोई कांग्रेसी यहाँ पे नजर आता है? दूसरी बात, राजस्थान में आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, पंजाब में हुआ, कर्नाटका में भी हुआ, क्या वहाँ भी कांग्रेस करवा रही है? कनाडा में आंदोलन हुआ, ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन हुआ, अमेरिका में आंदोलन हुआ, क्या वहाँ भी कांग्रेस पार्टी है? तो ये खिसियाई बिल्ली खंभा नोच रही है और जनता की भावना के विरुद्ध कानून बना रहे हैं, ये लोकतंत्र की हत्या है और जिन लोगों से ये रिश्वत लेते हैं, जिसको ये चंदा बोलते हैं बड़े पूंजीपतियों से, उनके लाभ के लिए सारा काम किया जा रहा है। वो आज के दिन दो नाम सबसे ज्यादा लिए जाने लग रहे हैं, एक तो रणजीत सिंह का और दुष्यंत चौटाला का, इसका मेन कारण है कुछ जी? देखिए दुष्यंत चौटाला ने ये कह के वोट लिए कि मैं देवीलाल का पोता हूँ, मैं देवीलाल का दूसरा रूप हूँ, ये कह के वोट लिए और लोगों ने अपना समझ के किसानों ने उसको गले लगाया, मेरे परिवार की वोट भी उसको डली, लेकिन उसने किसानों की पीठ में छुरा मारा और किसानों की पीठ में छुरा मार के उस बीजेपी की गोदी में बैठ गया, जबकि हम तो बीजेपी को हराना चाहते थे। और अब हमारी मांग इसलिए है कि तू देवीलाल का पोता है, देवीलाल किसान मसीहा था, तू एंटी किसान काम क्यों कर रहा है, और ये कानून जो है ये एंटी किसान है, एंटी जनता है, तो इन कानूनों को बदलवाने के लिए तू इस्तीफा दे के हमारे बीच में आ, अगर इस्तीफा दे के हमारे बीच में आता है तो हमारा है, अगर इस्तीफा दे के हमारे बीच में नहीं आता है तो फिर हमारा नहीं है, फिर हरियाणा का लोग हरियाणा की जनता उसको अपने बीच में नहीं आने देगी।
अगर आज लाठीचार्ज की नौबत आई तो आज क्या स्टैंड लेंगे जमींदार जी? अगर आज पहले की तरह पीपली की तरह लाठीचार्ज की नौबत आ गई और जैसे मुख्यमंत्री ने पहले कह दिया था कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है, अगर ऐसा आज कुछ हुआ तो फिर क्या होगा? देखिए वो हम पीपली में दिखा चुके हैं कि जब किसान चलता है ना तो लाठियों से डरता है ना वो गोलियों से डरता है। ये जो मर्जी मारे, लठ मारे, गोलियां मारे, लेकिन घेराव होगा। घेराव तो पहले ही हो गया है जब 3000 पुलिस के घेरे में वो उसका मकान है। काफी कड़े बंदोबस्त है, मैं देखे थे मैंने भी। मैं ये कह रहा जब 3000 पुलिस के घेरे में उसका मकान है तो घेराव कैसे होता है? घेराव तो उसका हो गया है। अब ये डरते लोग ये पुलिस को आगे करते हैं, इनमें हिम्मत नहीं है जनता का सामना करने की, जनता का के बीच में आने की इनमें हिम्मत नहीं है। और अगर ये ऐसे पुलिस के घेरे में आके सोचे कि किसान डर जाएगा, ये लाठी मारे गोली मारे हम अपना काम करेंगे। तो ये आंदोलन किस रूप तक पहुंच सकता है, कब तक नहीं थमने वाला ये, आप लास्ट में क्या बताओ? देखिए अभी इस आंदोलन को देश लेवल पे ले जाया जाएगा। 8 और 9 तारीख को पूरे देश के किसान संगठनों की मीटिंग बुला ली गई है प्रतिनिधियों के कुरुक्षेत्र में, इसको देश लेवल पे इस आंदोलन को ले जाया जाएगा। धन्यवाद जी। तो गुरनाम सिंह ने बताया भी ये आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक इन्हें अपना हक नहीं मिल जाता। इसके बारे में आप अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सको हो और वीडियो को शेयर जरूर करोगे। आप मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई जय हिंद, वंदे मातरम।